अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को महानगर के व्यापारियों ने सराफा, कपड़ा सहित अन्य बंद दुकानों की खोलने की मांग को लेकर व्यापारी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में पूर्वांचल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष मणिनाथ गुप्ता, महामंत्री संजीव कुमार जैन, कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार शुक्ला, अध्यक्ष विजय कुमार पाठक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया। रमेश गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल। हाल में ही जो है मुस्लिमों का जो त्यौहार है उसको देखते हुए व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं कपड़े रेडीमेड और सर्राफा की दुकानों को खोला जाए, और अभी तक न खुलने से जो है व्यापारी काफ़ी आक्रोशित भी हैं। आज इसी बात को लेकर के जो है हम लोग जिलाधिकारी महोदय से जो है मिलने आए हैं। हमारे साथ हैं विसाता भंडार के जो है विसाता पांडेहाता के जो है विजय पाठक जी, सर्राफा मंडल से जो है महेश वर्मा जी, रेडीमेड एसोसिएशन से राकेश अग्रवाल जी, विजय प्रताप सिंह जी, मणिनाथ गुप्ता जी हैं। तमाम व्यापारी यहाँ आए हुए हैं जी। हमारी मांग यह है कि 7 ट्रेडों के जो दुकानें जो है दुकान खोलने के आदेश जो पारित नहीं किए गए हैं उसे अविलंब जारी किए जाएं। वो आंशिक रूप से दूसरी लिस्ट ही जारी क्यों न करना पड़े, लेकिन उसको आज ही जारी किया जाए।